गाइज़, वेलकम टू माई चैनल। आई एम पल्लवी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज मैंने ये ड्रामेटिक आई मेकअप लुक क्रिएट किया है, और अगर आपको ये लुक अच्छा लग रहा है और आप जानना चाहते हैं मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, पहले मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सनस्क्रीन, एंड दिस इज़ फ्रॉम लोटस। सो इसे मैं अच्छे से अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये गुड वाइब्स का कोकोनट क्रीम। इसे मैं एज अ मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी अपने फेस पे। तो इसे मैंने अच्छे से अपने फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है। देन हम स्टार्ट करेंगे अपना आई मेकअप, जिसके लिए मैं अपने बेस के लिए ले रही हूँ ये सिस ब्यूटी का कंसीलर। इसे मैं अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल स्पंज मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड अगर आप अपने स्पंज को हल्का सा वेट कर लेंगे तो बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग होगी। देन मैं अपने कॉम्पैक्ट से इसे अच्छे से सेट कर ले रही हूँ, और मैंने यहाँ मेबलिन का कॉम्पैक्ट यूज़ किया है। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये मेकअप पोल्यूशन पैलेट से ये ब्लैक शेड, एंड इसे मैं अपने क्रीज में अप्लाई कर रही हूँ। मैं बस एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, आप देख सकते हो। तो मैं एक अच्छा सा विंग ड्रॉ कर रही हूँ आउटर कॉर्नर के साइड। देन मैंने एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, एंड मैं उससे अच्छे से इसे ब्लेंड कर ले रही हूँ। देन अगेन मैं अपने लाइन को अच्छे से शार्प कर रही हूँ। देन मैंने यहाँ कंसीलर लिया है, एंड मैं अपने इनर आईलिड को अच्छे से क्लीन करूँगी। या देन मैंने एक ईयरबड लिया है, एंड इससे मैं अपने कंसीलर को क्लीन कर लूँगी, क्योंकि जो मेरा शेड था वो ब्लैक था, जिसकी वजह से मेरा कंसीलर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। देन मैं अगेन अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर एंड अपने आईलिड पे, एंड द हेल्प ऑफ माई फिंगर मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देन मैं सेम पैलेट से ये वाइट शेड ले रही हूँ, एंड अपने आईलिड पे प्लेस कर रही हूँ। देन मैं यूज़ करूँगी आईलाइनर, एंड दिस इज़ फ्रॉम मेबलिन। सो मैं एक सुपर विंग आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। तो मैं अपने इनर कॉर्नर के साइड भी विंग ड्रॉ कर रही हूँ, जिससे कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रामेटिक आई लुक आएगा। सो या गाइस, देन मैं दोनों साइड से हाफ हाफ आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। मैं मिडिल पार्ट को एम्प्टी ही छोड़ दूँगी।
देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ HR का ये सिल्वर आईलाइनर। तो या गाइस चलिए मूव ऑन करते हैं अपने फेस मेकअप की तरफ। सो फर्स्टली मैं यूज करूंगी प्राइमर। देन मैं यहाँ ले रही हूँ पिटली का ये फाउंडेशन एंड इसे मैं अपने फिंगर की हेल्प से अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। देन मैंने यहाँ एक फाउंडेशन ब्रश लिया है एंड मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देन मैं अपने ईयर एंड अपने नेक को भी अच्छे से कवर अप करूँगी। देन मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले रही हूँ एंड अपने इनर अंडर आइज को, अपने ब्रिज ऑफ द नोज को, फोरहेड को एंड चिन को अच्छे से कवर अप करूँगी एंड हाईलाइट करूँगी। तो एक स्मॉल स्पंज की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। एंड आप देख सकते हो मैं अपने प्रोडक्ट्स को फैला नहीं रही हूँ। देन मैंने यह मेबलिन का कॉम्पैक्ट लिया है एंड स्पंज की हेल्प से मैं अपने कंसीलर जहाँ यूज़ किया था मैं उस एरिया को अच्छे से सेट कर लूंगी। देन हम करेंगे कॉन्टोरिंग एंड उसके लिए मैंने ये ब्राउन शेड लिया है एंड मैंने अच्छे से इसे अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। सो आपको फोरहेड को, अपने जॉलाइन को, नोज़ को अच्छे से कॉन्टोर करना है एंड मेरी तरह अगर आपकी भी नोज़ फ्लफी है तो आप उसे अच्छे से कॉन्टोर करें। देन मैं ये पिंक शेड ले रही हूँ एंड मैं एज अ ब्लश इसे अप्लाई करूँगी अपने चिक्स पे। देन मैं ये डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ एंड अपने आईब्रो को फिल करूँगी। विद द हेल्प ऑफ दिस स्पूली मैं अच्छे से अपने प्रोडक्ट को ब्लेंड भी कर लूँगी। लिपस्टिक लिए मैं यहाँ यूज़ करी हूँ मेबलिन की न्यूड लिपस्टिक। आप चाहो तो कोई और लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर। सो या गाइस दैट्स ऑल, दिस इज़ माय फाइनल लुक।
आपको ये लुक कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड उसके बगल में जो बेल